मैं हूँ इस टाइम पीजीआई में, जहाँ मैं मिली हूँ न्यूरो सर्जन से। उनका नाम है डॉक्टर SS दंदापानी। उनके साथ मैं करूँगी खास बातचीत। बच्चों में कुछ ट्यूमर्स ज्यादा होता है, बड़ों में कुछ ट्यूमर्स ज्यादा होता है, मतलब अलग अलग ट्यूमर्स जी ना। ब्रेन ट्यूमर एक बीमारी नहीं है, वो बहुत अलग अलग तरीके का ट्यूमर्स होता है। तो आप बच्चों में देखेंगे तो कुछ ट्यूमर्स बच्चों में ज्यादा आता है और कुछ ट्यूमर्स एल्डर्स में ज्यादा होता है। तो अलग अलग ट्यूमर का एज प्रिडोमिनेंस अलग अलग होती है। तो कभी भी हम किसी को एज के बेसिस पे हम उसको रूल आउट नहीं, किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो जांच करने से ही पता चलेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे बोल देंगे कि पंजाब में ज्यादा है या हरियाणा में कम है, वो गलत इन्फॉर्मेशन होगा। ऐसे नहीं है, किसी स्टेट में किसी भी एरिया से आयुर्वेद पे विश्वास ज्यादा कर रहे हैं। आई डोंट नो, बट दे आर कमिंग वेरी लेट। पता चलना एक बात है, बट पता चलने के बाद भी लोग लेट आते हैं। जब MRI हो गया, डायग्नोसिस हो गया ब्रेन ट्यूमर है, उसके बाद भी वो इधर उधर जाते हैं, कुछ करते नहीं है। फिर एक साल दो साल के बाद जब ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है तब आते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। होल रीजन में ये प्रॉब्लम है या लोग नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वोंट से सी वी आर केटरिंग टू ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ओके, नॉर्थ ऑफ दिल्ली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कम टू अस, बट द टाइम दे कम, इफ यू लुक एट द रिकॉर्ड्स, दे मस्ट हैव गॉट MRI डन 6 months back, 1 year back। मैं हम पूछते हैं कि आप एक साल क्या कर रहे थे, बोला हमने वहां गया इधर बोला। बेसिकली अगर कहीं पे गए हैं तो डेफिनेटली न्यूरोसर्जन जहां पे भी होगा वो तो एडवाइस किया हुआ होगा सर्जरी, बट दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, दे वोंट टेल बिकॉज इफ दे सो दे डिडंट वांट टू डू सर्जरी मे बी प्रॉब्ली। लोग सर्जरी को इसलिए भी घबराते हैं कि उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे और हम कुछ सस्ता इलाज ढूंढ लेते हैं, Hospital at a village level or a small town level. Then they should immediately come to the higher center. So rather than waiting and watching for the tumor to become very large, and then the risks are also higher, and then the outcome also is not that good. Once it is diagnosed, they should seek an expert. यहाँ पे हमारे देश में तो सब अपने आप को expert मान लेते हैं, तो वो बगल में पड़ोसी से पूछते हैं और आसपास का जो कोई भी हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन दे देता है ना, कोई नहीं बोलता है कि आप जो एक्सपर्ट है उनके पास जाओ। सब लोग अपना अपना विचार बोल देते हैं, क्योंकि मैं ये होगा, ये हो सकता है, वो सब हो सकता है, फिर वो डर के वो हॉस्पिटल जाएगा ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल जाएगा भी, अगर कोई सर्जरी के लिए बोलेगा तो वो नहीं कराएंगे, ऐसे ही इधर उधर खींचते रहेंगे। उनको ये पता नहीं चल रही है कि अगर अभी नहीं करना तो बाद में तो ट्यूमर बढ़ेगा ही है। कोई भी ब्रेन ट्यूमर अगर डायग्नोस हो चुका है वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा इधर, तो उसको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। कि सर्जरी के लिए लोग डरते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दिमाग से कोई चीज निकल गई है या उनमें नुक्स आ गया, तो ऐसा कुछ डाउट जो रहता है उनके लिए। हर बीमारी जब आ गया तब तो बीमारी जब आ जाती है फिर इलाज करने का एक मजबूरी हो गया ना, तो आप जितना डिले करोगे वो बीमारी बढ़ता जाएगा, फिर उसका आउटकम कम होते जाएगा। और अगर कोई भी परिस्थिति में फंस गए हैं तो ये सोचना चाहिए कि उस परिस्थिति को सही रीति से कैसे फेस करें, ये नहीं कि उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको और बढ़ने दें। और फिर तो जितना अगर छोटे ट्यूमर में कॉम्प्लिकेशंस अगर है तो बड़े ट्यूमर में कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा होगा, है ना। और ट्यूमर का मतलब ही है कि बढ़ने वाला एक टिश्यू है रैपिडली और स्लोली। तो जब ट्यूमर आ गया तो आपको ये कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हम ऐसे ही रहें क्या, क्योंकि
अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप जितना यंग पेशेंट है वो तो उम्र के मुताबिक बढ़ता जाएगा। तो शायद जो लो ग्रेड ट्यूमर्स जब 80 ईयर्स में होता है तो लोग सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला है, मेरा पूरा जिंदगी में मीन्स हो गया तो अभी क्यों ऑपरेशन करें। बट जब छोटे उम्र में जब आती है तब तो किसी ट्यूमर को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उतना ट्यूमर तो बढ़ता जाएगा। सो दैट इज द थिंग। एंड ये भी है कि जो उम्र में ज्यादा है उनको लोग खर्च नहीं करना चाहते हैं और देखभाल भी नहीं करना चाहते हैं, वो तो दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम, दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग। बट अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द करेक्ट एडवाइस फर्स्ट। वंस पहले सबसे पहले एडवाइस लेना चाहिए, फिर उसको एडवाइस को लेके आप सोच के फिर डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी पेशेंट को अगर ब्रेन ट्यूमर है तो जब तक वो विलिंग नहीं है हम उसको इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं मैं इलाज नहीं करना चाहता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। डाउट हटाकर सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ कैंसर को, ट्यूमर को ठीक किया जा सकता है। बेसिकली पहले बीमारी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और क्या क्या रास्ता है देखना चाहिए। मैं हमारे मरीज को बोलता हूँ कि अगर आपके पास दो रास्ता है तो आप चूज कर सकते हो कि इसमें चले या उसमें चले। जब एक ही रास्ता है, एक ही इलाज है, आप वो इलाज कितना भी कठिन हो वो तो लेना ही पड़ेगा। एक ही रास्ता है, वो जितना भी खराब हो वो तो लेना ही पड़ेगा ना उस रास्ते को। जब आपके पास तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो फिर आप चूज कर सकते हो कि ये करूं या वो करूं ना। तो जब किसी किसी बीमारी में एक ही इलाज होती है, स्टैंडर्ड इलाज तो एक ही होता है, तो वो तो उसी रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। शायद जितना भी खराब हो तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल, जो चीज साइंटिफिक नहीं है वो भी आ जाएगा इंटरनेट पे। इंटरनेट में तो अच्छी चीज भी है, गंदी चीज भी है। एग्जैक्टली। सो ये नहीं है कि उनको पता नहीं होगा ना। अगर हमारा सर्च हिस्ट्री के मुताबिक वो अपने आप वो रिजल्ट देगा जो हम चाहते हैं, है ना। तो वो तो आप सब जानते हैं कि जो हमारे पसंद वाला चीज ही हमारे जो सर्च में ज्यादा आता रहता है। सो इट इज नॉट, वी शुड नॉट एक्सक्लूसिवली रिलाई ऑन दैट, ऑन इंटरनेट। करेक्ट। ऑन मीन्स नहीं, इंटरनेट में भी अगर कुछ साइट्स ऑथेंटिक होते हैं उनका इंफॉर्मेशन सही होता है, और कुछ साइट्स टोटली बेकार साइट्स होता है, ठीक है, वो तो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको हम रिले नहीं कर सकते। वही मैं लोगों से कहना चाहती थी, अगर उन्हें ब्रेन ट्यूमर है तो वो जल्द से जल्द इलाज की तरफ ध्यान दे, ना कि इधर उधर की बातों पर ध्यान दे। उन्होंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी डिजीज है जो बढ़ती ही जाती है अगर उसे समय पर नहीं रोका गया। वहीं लोगों में अवेयरनेस की इतनी कमी है कि वो लास्ट मोमेंट पर आकर अपना इलाज करवाते हैं। आप खुद भी अवेयर रहों और आसपास के लोगों में भी अवेयरनेस फैलाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।